तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECC मेमोरी के बारे में। तो ECC मेमोरी क्या होता है? तो ECC मेमोरी जो होता है वो बेसिकली कंप्यूटर में एक तरह का मेमोरी होता है जो एरर करेक्शन का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका नॉर्मल जो है सो आपका PC होगा आपके घर में, ठीक है। तो कई बार होता है विंडोज में कि आपका ब्लू स्क्रीन आ जाता होगा और एक अनहैप्पी का सिंबल आता होगा। पता नहीं अगर आप गेस कर पा रहे हैं हम किसी बारे में बात कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एक वैसे टेढ़ा सा आ जाता है सिंबल और ब्लू कलर का स्क्रीन आता है कि आपका PC जो है सो प्रॉब्लम डिटेक्ट किया है और वो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली ये एक एरर होता है जिसमें कोई भी डेटा करप्ट हो जाता है, जो सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है वो करप्ट हो जाने की वजह से ऐसा दिखाता है, ठीक है। तो अब ये तो आप कई बार हुआ होगा, हो सकता है मे भी, या फिर हो सकता है नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा। तो ये जो होता है ना, तो ऐसे में होता है कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारा चीज़ बंद पड़ जाता है, फिर से आप रीस्टार्ट कीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यही जो है जब आप सर्वर पे जाइएगा, मतलब बहुत बड़ा सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, तो ऐसे में अगर एक सेकंड के लिए भी सिस्टम बंद हुआ, वैसे तो बंद होता है तो 5-10 मिनट के लिए बंद होता ही है, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए बंद हुआ तो बहुत सारा डेटा लॉस होता है और बहुत करोड़ों अरबों रुपया का जो है नुकसान हो सकता है इस एक सिस्टम बंद होने के कारण, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग जो है गूगल सर्च नहीं कर पाएंगे अगर आपका सारा अचानक सिस्टम बंद हो गया। तो ऐसे में आता है ECC मेमोरी। तो ECC मेमोरी करता यह है कि वो बेसिकली एरर चेक करता है। जब भी आपका कोई डेटा ट्रांसफर होता है तो वो एक एरर चेक करता है कि उसका जो ब्लॉक्स है, मतलब 8-bit का जो ब्लॉक्स होता है उसमें डेटा में, तो उस ब्लॉक्स को चेक करता है कि उसका जो डेटा है 1010, आपको पता होगा बाइनरी से बन के एक डेटा का जो मिनिमम जो एकदम यूनिट जो डेटा होता है वो होता है बाइनरी में 1010 करके, यानी ऑन ऑफ करके। तो वो उसी को चेक करता है कि कहीं पे 1 की जगह 0 या 0 की जगह 1 तो नहीं आ गया है, जिसके वजह से डेटा करप्ट हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो वो चेक करता है, वो मिलाता है डेटा को, मैच करता है। जब डेटा सही होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब डेटा गलत होता है, मतलब डेटा अनमैच कर जाता है, इसका मतलब होता है कि आपका डेटा करप्ट है, करप्ट हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको जो है सो ठीक करता है, उस डेटा को 0 की जगह अगर 1 आ गया है तो उसको फिर से 0 करता है, ठीक है, और वाइस वर्सा। तो ऐसा करके जो है सो आपके सिस्टम को बेसिकली रिस्टार्ट करने से या फिर करप्ट होने से बचा देता है, और यही ECC का जो यूजेज है, ठीक है। अब ECC मेमोरी जो होता है आपके सिस्टम को स्लो कर देगा, इसीलिए जो कंज्यूमर ग्रेड हार्डवेयर में ECC मेमोरी नहीं आता है। बहुत कम जो कंज्यूमर ग्रेड हार्डवेयर होता है जिसमें ECC मेमोरी सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादातर में जो है सो अभी के समय की बात कर रहा है ECC मेमोरी सपोर्टेड नहीं है। तो ECC जो है सो अभी फिलहाल कंज्यूमर ग्रेड, और ये महंगा भी होता है ECC मेमोरी, और आपके सिस्टम को स्लो डाउन करेगा, तो आप चाहिएगा कि स्लो डाउन हो जाए। ऊपर से दूसरी बात ये हो जाता है कि मतलब आप एकदम चमकदार धमकदार सिस्टम बनाया है, सब चीज़ RGB लगा हुआ है, RAM RGB के साथ है, प्रोसेसर का कूलर RGB है, एकदम मदरबोर्ड में जगह जगह RGB लगा हुआ है, और उसी में आप ECC घुसा लीजिएगा कि जो RGB बिल्कुल भी नहीं होगा तो कैसा लगेगा। तो ये जो है सो आपका दिखने और परफॉर्मेंस भी जो है सो कम करता है ये ECC मेमोरी, लेकिन सर्वर ग्रेड हार्डवेयर में जो है सो ये ज़रूरी होता है, इसलिए ECC मेमोरी लगाते हैं। अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर है तो चिंता मत कीजिए, बिना ECC का भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं ECC का क्या काम होता है तो यही आपको हम बता दिए क्या काम होता है। तो और इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। ECC मेमोरी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ज़रूरत होता है तो लगाता है आदमी। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, इससे जो है सो कोई और भी आपको मतलब इस जानकारी के बारे में जानेगा और इसको भी समझ में आएगा, बेसिकली यही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और एक और बात, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।